स्कॉलियोडॉन, एलिगेटर के अलावा स्कॉलियोडॉन, क्योंकि स्कॉलियोडॉन जो है वो मरीन एनिमल है, ये क्रैब्स लॉबस्टर और छोटे छोटे फिशेस को खाता है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये इस तरीके से डिवाइड की गई है, माउथ, बंकल कैविटी, फैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक। स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड किया, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक, इंटेस्टाइन और रेक्टम। जब हम यहाँ पर फिश की पूरी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर ड्रॉ किए हुए देखते हैं, तो जो उसका अपर पार्ट है वो स्नाउटी रीजन है, जिसको हम रोस्ट्रम या स्नाउट कहते हैं। ये आप करके जब हम इसके वेंट्रल सरफेस पर देखते हैं तो माउथ जो एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। इसमें आपको जो उसकी बॉल है या जो उसकी स्किन है लोअर पार्ट की या वेंट्रल पार्ट की, ये आपको फोल्डेड स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ती है, तो इसलिए इसको हम कभी अपर और लोअर लिप भी कह सकते हैं। फिर माउथ ओपन होता है यहाँ पर, फिर माउथ के साइड में आपको यहाँ पे आईज दिख रही है, ये ओपन होता है यहाँ पर जो है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में जब ओपन हो रहा है तो यहाँ पर एक आपको मस्कुलर स्ट्रक्चर का स्किन का वो दिखाई पड़ता है, जो कि नॉन ग्लैंडुलर है, नॉन प्रोट्रूसिबल है, और उसको हम कहते हैं टंग। ठीक है, नेक्स्ट जब ये माउथ ओपन हो रहा है, माउथ ओपन होता है फैरिंग्स में, तो फैरिंग्स में आपको डर्मल डेंटिकल्स दिखाई पड़ते हैं। फिर साथ ही आपको फैरिंग्स में जब ये बक्कल कैविटी के ऊपर की तरफ हम बात करते हैं तो वहां पे आपको टीथ के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, जो टीथ यहाँ पर पॉलीफाइबोन टीथ होते हैं, मतलब कि अगर इसमें सेवरल टाइम्स टीथ जो है डिस्ट्रॉय होते हैं, डैमेज होते हैं, बट फिर से न्यू टीथ यहाँ पर राइज हो जाते हैं, तो उसको हम पॉलीफाइबोन कहते हैं। फिर फैरिंग्स में आप देख रहे हैं डर्मल डेंटिकल्स प्रेजेंट है, दोनों तरफ आपको फाइव गिल स्लिट्स या गिल पाउचेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये फाइव। साथ में आपको पिट ऑफ स्पाइकल जो यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन या एक्सटर्नल ओपनिंग की तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फैरिंग्स जो है वो खुलता है आगे जाकर के इसोफेगस में, और तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स आगे जाके इसोफेजियल वॉल से सराउंडेड होते हैं, गार्डेड होते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है, जब ये प्रॉपर इसोफेगस में आ जाता है तो यहाँ पर इसोफेगस ये इसोफेगस का स्ट्रक्चर है। जब ये कार्डियक स्टमक में ओपन होता है तो यहाँ आपको इसोफेजियल वॉल्व दिखाई पड़ते हैं, जिससे कि जो फूड को वापस बैकवर्डली जाने में रोकते हैं और ये फूड आगे भी ट्रांसमिट होता है। फिर तो यहाँ पर आपको कार्डियक स्टमक दिखता है, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन के और बड़े बड़े फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर ये स्ट्रक्चर जो क्योंकि कार्डियक स्टमक आकर के पाइलोरिक स्टमक में ओपन हो रहे हैं, यहाँ पर स्टमक में आपको एचसीएल मिल जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं स्फिंक्टर वॉल और ब्लाइंड साइड स्ट्रक्चर, जो कि एक आउटग्रोथ के तरीके से यहाँ पर निकला हुआ है, ये आउटग्रोथ यहाँ पर फिर ये आगे कंटिन्यू करता है, दैट मीन्स यहाँ पे कार्डियक स्टमक एंड हो गया और पाइलोरिक स्टमक आगे रन कर रहा है। इसमें फिर पाइलोरिक स्टमक स्मूथ वॉल होती है, जिससे इसमें मस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन का पूरा मस्कुलर स्ट्रक्चर था, इसमें इस तरीके का कोई नहीं है, स्मूथ वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर अटैच आप देख रहे हैं मस्कुलर के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात हम जब करते हैं तो इसमें लिवर, पैंक्रियाज, रेक्टल ग्लैंड और स्प्लीन प्रेजेंट होता है। लिवर, पैंक्रियाज, रेक्टल ग्लैंड और स्प्लीन, यहाँ आपको लिवर भी दिखाई पड़ रहा है, ये लिवर लगा हुआ है, ये गॉल ब्लैडर साथ में है, पैंक्रियाज है और ये बाइल डक्ट है। तो ये सारी ओपनिंग्स और जो पाइलोरिक स्टमक है वो एंड होता है बर्सा एंटीयाना में। बर्सा एंटीयाना जो पार्ट शो होता है, दैट मीन पाइलोरिक स्टमक एंड होकर के खुलता है इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पाइलोरिक स्टमक में इस वक्त डाइजेस्टिव ग्लैंड थे, उन्होंने अपना सेक्रेशन या उन्होंने जो एंजाइम्स थे वो आकर के यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये एंजाइम्स यहाँ पर जो है वो प्रोटीन्स को, लिपिड्स को और फैट्स, लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ऐड करते हैं। प्रोटीओलेटिक एंजाइम हो गए, एमाइलोपेक्टिन एंजाइम्स हो गए और लाइपेज एंजाइम यहाँ पर सिक्रेट आउट होते हैं। फिर हम आते हैं इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में यहाँ पर आपको इंटेस्टाइन काउंट करने से इंटेस्टाइन दिख रही है। इसमें क्योंकि इंटेस्टाइन का जो काम है, जितना भी फूड जो डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्टिव वो लिटिल अमाउंट में होता है, उसको डाइजेस्ट करना और फिर उसको एब्जॉर्ब करने का सब काम करते हैं। तो इंटेस्टाइन की एब्जॉर्बिंग सरफेस को बढ़ाना है और उसका बड़ा होना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर स्क्रॉल वॉल्व टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो 2.5 सर्कल लेता है। अगर हम डीएस सेक्शन की बात करते हैं तो इसमें इस तरीके से 2.5 सर्कल ये लेता है, और लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो इस तरीके से ये 2.5 लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेता है, और ये इंटेस्टाइन जो है वो उसकी एब्जॉर्बिंग सर्फेस को आकर के बढ़ाता है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन जो है एंड हो रही है रेक्टम में, और रेक्टम अपनी ओपनिंग, जिसको कि हम यहाँ पर रेक्टल ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ रेक्टम या फिर एनस के थ्रू देख रहे हैं, क्योंकि आखिर को ओपन हो रहा है लास्ट पार्ट जो उसका क्लोएका में।
रेक्टम यहाँ पर जब तक डिलोमिंग ऑफ रेक्टम एंटर इन द क्लोएका स्ट्रक्चर और फिर रेक्टल ग्लैंड भी जो है वो यहाँ पर क्लोएका में ओपन हो रही है ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड के थ्रू। फिर साथ में आपको लास्ट में जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम। और यहाँ पर क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का आपको यहाँ पर टारगेट पाइलोरी के संबंध में मिल रहा है और यहाँ से डाइजेस्टिव के जो पार्ट और बचा है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है और जो वेस्टिजल और वेस्ट वाटर है या वेस्ट फूड है वो यहाँ से फिर एक्सक्रीट हो।